बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज मैं फिर आपके सामने आलू की एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो दो अदद आलू लिए हैं जिनको मैंने उबाल कर उसको मैश कर लिया है, कद्दूकश कर लिया है। और एक बाउल लेंगे और उसके अंदर डाल देंगे कद्दूकश किए हुए आलू। बहुत ही आसान रेसिपी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और कुछ मसाले इसमें शामिल करूँगी, जो एक चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च और एक चौथाई चम्मच हल्दी, ये इसमें डाल दूँगी। और अब इसमें जाएगा, अब हम इसमें एक अंडा डालेंगे। और अंडा डालने के बाद इसको अच्छी तरह खूब मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। हमारा तवा हमारा गरम हो चुका है और उसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गरम हो चुका है और अब हम इसको आलूओं को इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी बना लेंगे टिक्की। और इसको चम्मच के साथ आप फैला लें, गोल से इसकी टिक्की बना लें। तो ये हमने पूरी तरह फैला ली है और इसको एक तरफ से हम अच्छी तरह पका लेंगे, रेड कर लेंगे। एक तरफ से हमने ये पका लेना है और दूसरी तरफ से नहीं पकाना। तो एक तरफ से हमारा ये पक चुका है और अब आपको ज़रूरत है एक प्लेट की या एक पैन की। अब एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैंने ऑयल लगा लिया है और उसको मैंने तवे के ऊपर रख दिया है। और अब जो हमने प्लेट में अंडा निकाला है आलू वाला, वो इसके अंदर डाल दें। पैन में हमने डाल लिया है और अब हम इसके ऊपर रखेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम, इसके ऊपर हम चिली सॉस लगाएंगे। चिली सॉस लगा लिया है और अब हम इसके ऊपर प्याज रखेंगे और रखेंगे शिमला मिर्चें। आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल इसके ऊपर सजा सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और इसके बाद हम इसके ऊपर रखेंगे उबले हुए आलू के पीस, आपकी अपनी चॉइस है, आपको कुछ भी पसंद है तो आप वो लगा सकते हैं। चिकन भी लगा सकते हैं आप। तो ये बन रहा है आलू का पिज़्ज़ा और आप बच्चों को बना कर दें, बच्चे बहुत पसंद करेंगे इसको। तो वेजिटेबल हमने डाल ली हैं और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ इसके ऊपर जा चुकी है और अब आपने इसको हल्की आंच पर इसको पकाना है। आप देख सकते हैं नीचे मैंने तवा रखा है और उसके ऊपर मैंने पैन रखा है और नीचे से आंच बिल्कुल आहिस्ता है। और इसको ढक देना है आपने और ढक कर इसको चीज़ मेल्ट होने तक आपने पका लेना है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। इसको कट करेंगे, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा जो है वो तैयार हो चुका है। और आपके पास अगर वक्त कम है, मेहमान आए हैं, तो पिज़्ज़ा तैयार करें और पेश कर दें उनके सामने। देखिए कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो।